जैसा कि आपको पता है कि 2 अक्टूबर है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वच्छता का जो एक अभियान शुरू किया था, स्वच्छता का पखवाड़ा 16 से 18 2 अक्टूबर तक के लिए, और उसकी शुरुआत जो है यहां से भी की जा रही है। मानव जनहित कल्याण संस्थान और सफदरजंग एम्बुलेंस एसोसिएशन के ओर से यहां पर एक ह्यूमन चेन बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है यहाँ पर एक ह्यूमन चेन बनाकर एक मैसेज देना चाहते हैं, लोगों को जागरूकता लाना चाहते हैं कि जो सफाई है देश में सफाई करनी है और उसका स्वच्छता जो पखवाड़ा है उसको बरकरार रखना है। एक मैसेज जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिवस से शुरुआत की थी, आज 150वां महात्मा गांधी का, और उसी की शुरुआत करते हुए यहाँ पर किशन चंद बारवा और सचिन पारचा जी यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए हैं और इन्होंने एक ह्यूमन चेन बना रखी है, मैसेज देना चाहते हैं। और सुबह ये 10 बजे से इसी तरह से खड़े हैं लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि भाई देश में जो है वो सफाई की जाए, स्वच्छता का भी ख्याल रखा जाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रोड सफदरजंग रोड है, जहाँ से ये सीधा धोला कुआं के लिए रिंग रोड है, इसके पास जो है यहाँ पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। किशन चंद बारवा मेरे साथ में है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट नंबर 7, जो सफदरजंग हॉस्पिटल का गेट नंबर 7 है, यहाँ पर जो मानव जनहित कल्याण संस्थान है यहाँ से जो है सफाई की शुरुआत करी है। सफदरजंग हॉस्पिटल का जितना भी कोना है, प्रांगण है और अंदर जितनी सफाई है, ये सुबह से लगे हुए हैं कार्यकर्ता और मानव जनहित कल्याण द्वारा जो है इस काम को करा जा रहा है। किशन चंद बारवा जो है इसके जो संस्थापक हैं, सचिन पारचा भी लगे हुए हैं साथ में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सफाई अभियान इन्होंने शुरू किया गया है, सफाई अभियान की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर यहाँ से की गई है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में किशन चंद बारवा भी हैं और इन्होंने एक हैंडविल भी हाथ में ले रखा है, मैसेज दिया है जागरूकता के लिए कि जो जागरूकता है उसको सफाई को बरकरार रखना है, भारत को सफाई करना है, और मैसेज देना चाहते हैं कि भारत भी हमारा घर है, इसको सफाई के माध्यम से साफ करना है।
हम अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब का स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत रखेंगे, कहीं पर गंदगी नहीं होने देंगे, अपने हाथ से अपना कूड़ा साफ करेंगे, हम कहीं टॉयलेट बाथरूम भी नहीं करने देंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे। जय हिंद। सौ बीमारी की एक दवाई सफाई 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 सौ बीमारियों की एक दवाई सफाई सफाई सफाई। यूबीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं सफदरजंग हॉस्पिटल पर। यहाँ पर जो है मानव जनहित कल्याण संस्था का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। सफदरजंग हॉस्पिटल एम्बुलेंस एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी वो भी यहाँ शामिल है। और 2 अक्टूबर के दिन इन्होंने जो है स्वच्छता का पखवाड़ा जो चल रहा था प्रधानमंत्री द्वारा, उसी में इस जो ये कार्यक्रम करते हैं, मानव कल्याण का कार्यक्रम करते हैं, जो ये जो लवारिस जो व्यक्ति हैं उनकी जो है अस्थियाँ जो विसर्जित करने के लिए आज हरिद्वार भी ले जा रहे हैं। और ये लवारिस जो अस्थियाँ हैं ये जो हमारे जो शमशान घाट है वहाँ से इकट्ठे करते हैं। किशन चंद बारवा जो हैं, सचिन पारचा जो हैं, इस काम को करते हैं। हफ्ते हफ्ते के दिन जो है ये इस तरह से यहाँ पर निकलती हैं और इसको जो है ये हफ्ते 10 दिन में जो है हरिद्वार ले जाते हैं। रीति रिवाज के साथ इनको जो है गंगा जी में विसर्जित करते हैं। किशन चंद जी मेरे साथ हैं। किशन चंद जी, आज स्वच्छता का पखवाड़ा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसकी शुरुआत हो गई है। 2 अक्टूबर है आज, 2 अक्टूबर के दिन साफ सफाई भी करते हैं, लेकिन आप मानवता का भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये दोनों काम एक साथ आप कैसे कर रहे हैं। सर, ये काम मैं कर रहा हूँ अपने साथियों के सहयोग से। मेरे साथी मेरे बहुत सहयोग करते हैं। यहाँ का जो एम्बुलेंस एसोसिएशन है वो बहुत सहयोग करता है और वो अपनी गाड़ियाँ भी मुझे देते हैं और मैं उन्हीं के साथियों के सहयोग से करता हूँ। सर, मेरे अकेले का बस का इतना बड़ा काम नहीं है और हर काम में मेरा हाथ बटाते हैं और यहाँ का हर एम्बुलेंस एसोसिएशन का वर्कर मेरे साथ है। तो ये आज आपने क्या कार्यक्रम रखा? आपने मैंने देखा ह्यूमन चेन भी बनाई है और शपथ भी दिलाई है अपने साथियों को, क्या कार्यक्रम आपने किया? सर, आज सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए एक सफाई अभियान का। जो हमारे मोदी साहब का एक सपना है कि वो हमारा स्वस्थ देश बनाना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले तो वही काम शुरुआत की है। उसके बाद हमारा ये मानव सेवा का काम होता है, इसको भी हम आज हमने सोचा पवित्र दिन है ये आज का, तो इसको इनको भी हम गंगा धाम पहुँचाएँ। तो ये हम सब साथियों ने मिलकर फैसला किया कि आप कुछ ये अस्थियाँ हैं हमारे पास, हम इनको लेके जाएं। किशन चंद जी, क्या लगता है आपको जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है, लगता है आपको कि भारत जो है स्वच्छता की ओर चल गया है और कितना कारगर होगा ये स्वच्छता अभियान? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा सपना पूरा हो रहा है हमारे मोदी साहब का और जगह जगह इसका बहुत अच्छी शुरुआत है और ये हमारा स्वस्थ देश रह के मतलब होगा जी। ये जो अस्थियाँ हैं, ये जो जो फूल हैं जो इनको जो ले जा रहे हैं आप, तो कहाँ पर ले जाएंगे इनको? इनको सर हम हरिद्वार ले जाते हैं जी, कनखड़ घाट है हरिद्वार में, वहाँ पर हम इनको ले जाने का काम करते हैं। मैं किशन जी, अगर आपसे कहूँ तो कितने व्यक्तियों की ये अस्थियाँ हैं? सर, ये मैं आपको फाइनली नहीं बता सकता क्योंकि इनमें अब अस्थियाँ तो थोड़े से फूल होते हैं, हम एक अगर पर्सनली अपना ले जाते हैं तो एक मटके में ले जाते हैं और ये तो बोरों के हिसाब से है, तो इसमें 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ये मैं आपको फाइनली नहीं बता सकता जी। बाकी ये है कि ये जितने भी मुझे मिलते हैं मैं सबको ले जाने का काम करता हूँ और आगे भी ले जाता रहूँगा जी। तो एम्बुलेंस में ले जाते हैं, एम्बुलेंस में आपको फ्री सेवा मिलती है? हाँ, एम्बुलेंस में मेरे साथी लोग मुझे फ्री गाड़ी देते हैं और मेरे को ले जाने का वो मौका देते हैं और मेरे साथ भी जाने का काम करते हैं। हमारे सचिन पारचा जी बड़ी मदद करते हैं। सचिन जी, आप किशन चंद जी के साथ में जो है कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं और इनको जो है आप फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, कितना सहयोग आप इनको देते हैं? सर, किशन चंद जी जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा काम है। हम लोग इनकी एम्बुलेंस से इनके साथ अस्थियां जो ये विसर्जित करते हैं पूरे विधि विधान से हरिद्वार में, वहां तक इनके साथ जाने का काम इनके कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं। हम पूरी एसोसिएशन इसके साथ इनके साथ है और हर संडे के संडे हम लोगों ने ये अस्थियाँ वहाँ विसर्जित करने का एक प्रोग्राम बना रखा है, लेकिन क्योंकि आज 2 अक्टूबर है तो हम सब ने डिसाइड किया कि स्वच्छता अभियान के साथ साथ हम ये जो अस्थियाँ हैं इन्हें भी वहाँ हरिद्वार में जाकर के विसर्जित करें। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी को मैसेज देना पड़े क्योंकि आज हमने देखा है कि आपने जो है दीवारों पे जो लोग
पेशाब करते हैं उनको भी रोका है, कोई मैसेज आपने देना हो या उनसे कोई अपील करना चाहते हो तो क्या रहेगी आपकी अपील? हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यही अपील है कि हम सब लोग उनके साथ हैं इस अभियान में और पूरे दिल से दिल्ली को हम, क्योंकि हॉस्पिटल के पास बैठे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत सफाई की यहाँ होती है, हम सब लोग यूनियन वाले हॉस्पिटल के बाहर अपनी तरफ से पूरी सफाई रखने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। तो क्या शौचालय की यहाँ पे ज़रूरत है गेट नंबर 7 के पास में? कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर गेट नंबर 7 के पास जो ये दीवारें एम्बुलेंस के साथ में, एक शौचालय बनना चाहिए ताकि लोग दीवारों पे जो है पेशाब वगैरह ना करें। जी जी, हॉस्पिटल के बाहर इतना लोग यहाँ पेशाब करते हैं क्योंकि यहाँ आजू बाजू कोई शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल जैसे एरिया के बाहर तो ये काम होने नहीं चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन इतना हो जाता है, यहाँ पेशेंट है उनको भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो हमारी उनसे ये विनती है, कृपया करके सफदरजंग के सभी हॉस्पिटल जितने भी गेट हैं 1 से लेकर 7 नंबर गेट के बाहर, हर गेट के बाहर एक शौचालय की कम से कम व्यवस्था करें। जी, तो ये थे हमारे साथ में किशन चंद बारवा, सचिन पारचा जी, और यहाँ पर इन्होंने स्वच्छता के साथ में जो ये लवारिस जो अस्थियाँ हैं इनको जो ले जाने का काम है उसको भी आज ही के दिन करना मुनासिब समझा। वैसे ये संडे के संडे करते हैं लेकिन आज स्वच्छता का 2 अक्टूबर का शुरुआत है तो इसमें ही इनको जो है शामिल करके आज ही ये हरिद्वार भी ले जा रहे हैं और सफाई भी इन्होंने जो है यहाँ पर करी है गेट नंबर 7 के पास सफदरजंग हॉस्पिटल के बाद। कैमरामैन जगदीश के साथ मैं नवल हंस, UBB न्यूज़ दिल्ली।